विश्वविद्यालय या उससे संबंधता रखने वाले किसी भी महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। UGC ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे जिसमें ये कहा था कि देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज को 15 जुलाई से पहले पहले अपनी परीक्षा UG, PG और अन्य जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं या प्रोफेशनल कोर्स हैं उनकी परीक्षा का आयोजन करवाना जरूरी है। साथ ही 31 जुलाई से पहले पहले सबका परिणाम भी जारी करना होगा। इसी दिशा निर्देश के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने परीक्षा आवेदन के तुरंत बाद टाइम टेबल जारी कर दिया। 29 अप्रैल से राजस्थान विश्वविद्यालय के UG और PG की परीक्षाएं हैं, उनकी शुरुआत होने वाली है। 29 अप्रैल से जहां नॉन कॉलेजेट यानी कि स्वयं पाठी जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा की शुरुआत होगी, तो वहीं 10 मई से नियमित जो छात्र हैं उनकी परीक्षा की शुरुआत होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय ने परीक्षा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस साल अगर बात की जाए तो राजस्थान विश्वविद्यालय के सबता रखने वाले जितने भी कॉलेज हैं या नॉन कॉलेजेट विद्यार्थी हैं तकरीबन 4,00,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इसमें अगर नियमित छात्रों की बात की जाए तो नियमित छात्रों की संख्या इस बार है 2,54,433, तो वहीं नॉन कॉलेजेड जो छात्र हैं उनकी संख्या जो PG की, इस समय हम UG की बात कर रहे हैं, UG में नियमित छात्र 2,54,433 हैं, तो वहीं स्वयं पाठी जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या 1,50,030 है। तो यानी कि इस साल जो UG है उसमें 4,04,463 परीक्षार्थी हैं परीक्षा में शामिल होंगे, तो वहीं PG की अगर बात की जाए तो PG में जो नियमित छात्र हैं उनकी संख्या 26,570 है और प्राइवेट हैं उनकी 60,492 है। यानी कि जो PG परीक्षा है, PG परीक्षा में कुल 87,062 जो छात्र हैं छात्राएं हैं वह परीक्षा में शामिल होंगे, तो वहीं प्रोफेशनल कोर्स में इनकी संख्या 54,723 है। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो तकरीबन 5,00,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर तैयारियों की, तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने इस बार परीक्षा केंद्रों में भारी बढ़ोतरी की है। जहां पहले एक सेंटर पे करीब 1,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र दिया जाता था उसको घटाकर अब 500 से 600 परीक्षा केंद्र कर दिया गया है। परीक्षार्थी हैं वह उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे। इसके साथ ही पेपर है वह 2 घंटे का रहेगा। पेपर में जो पहले 5 सवाल करने होते थे उनकी जगह अब महज 3 सवाल करने होंगे। किसी भी प्रकार की जो खंड है उसकी अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो 10 सवाल आएंगे उस 10 सवाल में से 3 सवाल कोई से भी परीक्षार्थी कर सकता है। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा निर्णय लेने की ओर अग्रसर है। यूनिवर्सिटी ने फिलहाल इस पर कवायद शुरू कर दी है और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि यदि कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव होने के चलते या कोरोना से जनित परिस्थितियों के चलते परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचता है और परीक्षा नहीं दे पाता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अलग से परीक्षा ली जाएगी। यानी कि ये एक बड़ी राहत विश्वविद्यालय की ओर से दी जा रही है कि परीक्षाएँ हैं उनके तहत जो परीक्षार्थी हैं वो अगर कोरोना के चलते परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो वह अलग से परीक्षा का उनके लिए परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन उनके लिए उचित दस्तावेज देने होंगे। जैसे कि यदि कोई बाहरी राज्य में रहता है और राज्य की सीमाएं सील होने की वजह से वह परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाता है या कोई विद्यार्थी जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वो यदि परीक्षा देने नहीं आता है तो ऐसी सिचुएशन में परीक्षाएँ अलग से आयोजित होंगी। हालाँकि अब दूसरे पहलू की भी हम बात करेंगे क्योंकि छात्रों की जो बड़ी समस्या है वह भी देखने को मिल रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और जो स्वयं पाठी छात्र हैं उनका ये कहना है कि पिछले 1 साल से यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार की ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई है। ऑनलाइन जो पढ़ाई कराई गई वह यूनिवर्सिटी की कारगर साबित नहीं हुई। विद्यार्थियों तक लिंक नहीं पहुँचे, प्रॉपर कक्षाएँ आयोजित नहीं हो पाई, जिसके चलते इस साल जो विद्यार्थी हैं उनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सरकार को फैसला लेते हुए परीक्षार्थियों को प्रमोट करना चाहिए। परीक्षार्थियों ने हालांकि ये मांग उठाई है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये कहना है कि इस तरह की अभी तक लिखित मांग नहीं आई है, यदि कोई लिखित मांग आती है तो इसको सरकार तक पहुंचाया जाएगा, छात्रों की जो हित की बातें हैं उसको सरकार तक पहुंचाया जाएगा। तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए ये बड़ी खबर है कि यदि वह परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपने साथ वह सैनिटाइज की बोतल लेके जा सकते हैं, पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही पारदर्शी होनी चाहिए।
हालांकि परीक्षा केंद्रों पर साबुन और पानी की उचित व्यवस्था, सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यदि कोई छात्र कॉमन यूज़ नहीं लेना चाहता है तो वह खुद की सैनिटाइजर और पानी की बोतल ले जा सकता है। तो ऐसे में विश्वविद्यालय ने परीक्षा की पूरी तैयारी करवा ली है। 29 अप्रैल से लेकर 6 जुलाई तक परीक्षा का आयोजन होगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 31 जुलाई से पहले पहले सभी परिणाम जारी करने की योजना भी तैयार कर ली है, लेकिन परीक्षार्थियों की ये मांग है कि परीक्षा आयोजन न हो, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा।